वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को बिल बोच है, राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सेवंदे, गुरु पार उतारण खंडा जाके हाथ में, तू हमरी रक्षा करे सो हमरी रक्षा करे। गुर कल की तर बोले नानक ज्ञान रतन प्रगासया
हर मन वसिया निरंकारी जियो सतगुर बंधन तोड़न रारे बहुड़ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुग जुग अटल चवर तखत छत्र दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बारगाह दे विच बैठ के आप सरबत संगतां ने गुरु की बाणी दे कीर्तन सुनिया आप जी कथा विचारां दे नाल गुर शब्द दे नाल जुड़ रहे हो आप जी उपरंत अरदास विच शामिल होयो सतगुरां दी महान बख्शिश होई जिन्हां ने सानू कृपा करके ऐसा सुभागा समा बख्शिया जो उस वाहिगुरु द्वारा दिते हुए श्वासां नू सफल करने लई आप जी गुरद्वारा साहब आ करके सत संगत कर रहे हो सतगुरु कृपा करन सानू ऐसे तरह ही नाम जपण दा उपराला यतन बख्शिश करदे रहन। सो एक सूचना है कि जो गुरद्वारा साहब विखे स्कूल खुल रहे ने वह 8, 9 ते 10 सितंबर नू ये खुलणगे जिन्हां दे विच 8 सितंबर नू कीर्तन दीआं क्लासां 9 नू पंजाबी दीआं ते 10 सितंबर नू गुरमुखी दीआं क्लासां आरंभ हो रहीआं ने। सो सरबत संगतां दे चरणां विच सनमर बेनती है कि आप जी इस स्कूल दे अंदर अपने बच्चों नू दाखिल करवा के ते लाहा प्राप्त करो ते जे कोई वधेरे जानकारी चाहीदी है इस संबंध में स्कूल दे संबंध में ते प्रिंसीपल सरदार गुरदीप सिंह जी झज हर रोज़ ही 10 बजे तो 1 बजे तक दोपहर गुरद्वारा साहब सामने बैठते ने। सो उन्होंने आप जी संपर्क कर सकते हो वध तो वध उपराला करो कि बच्चे इस स्कूल में दाखला लैके ते लाहा प्राप्त करन। साबना संगतां दा धन्नवाद ते जो कथा की सेवा निभा रहे सन बड़ी बुलंद आवाज़ दे विच भाई साहब भाई रशपाल सिंह जी तिन्हां दा धन्नवाद। सो आप सरबत संगतां दा धन्नवाद कोटान कोट शुक्र धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उस अकाल पुरख दा जिन्हां ने ऐसा सुभागा समा बख्शिश कीता है। सो समाप्ती है सरबत संगतां दा बार बार धन्नवाद गुरु के लंगर तैयार ने साबना ने छक के जाने की कृपालता करनी भुल चुक दी खिमा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।